बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 25 अगस्त 2023 ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस फेडरल में शामिल तमाम तंजीमों का इजलास जो है आज यहां पे इस्लामाबाद में हुआ है और मुतफिका तौर के ऊपर ये फैसला किया गया है कि मौजूदा होशरबा महंगाई पेंशन इस्तलाहात के नाम के ऊपर वफाकी व सूबाई मुलाजमीन का मुआशी कत्ल, बिजली के बिल ख़ास तौर पे जो इस वक्त जो है जिसने मुलाजमीन को जो है ख़ुदकुशियों के ऊपर मजबूर किया हुआ है उस हवाले से 5 सितंबर को जो है पार्लियामेंट हाउस के सामने इंशाल्लाह ताला जो है एक भरपूर हम लोग जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, हकूमत को ये मैसेज देंगे कि हर सूरत के अंदर जो है मुलाजमीन का इस्तेहसाल जो है वो बंद किया जाए। दिन 11 बजे वफाक के तमाम मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है जो मौजूदा महंगाई से परेशान है, बिजली के बिलों के हवाले से परेशान है और जो मुलाजमीन पेंशन की तरफ जा रहे हैं और पेंशन के ऊपर जिनको लाखों के अंदर होना है और जो तनख्वाहों में तफरीक का शिकार मुलाजमीन है, इसके साथ साथ हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस गुज़िश्ता 10 सालों से वही है, पेट्रोल की कीमत तो जो है वो 64 रुपये थी 2016 में और ये मौजूदा चीज़ें जो है आप देख सकते हैं इस वक्त पेट्रोल की क्या कीमत है। इसके साथ साथ जो दीगर जेन्युइन इश्यूज़ हैं अपग्रेडेशन के हवाले से जो जिन मुलाजमीन को एक तो दी गई है उसके अंदर भी स्केल अगले अलाउंस पहले वाले, जबकि अफसरान को तो सूबे की तर्ज के ऊपर एग्जैक्ट 150% दे दिया गया, बहुत से मुलाजमीन को वर्क्समैन की डेफिनेशन में ला के जो है इस अपग्रेडेशन से महरूम किया गया है, बशमूल डिफेंस पेड एम्प्लॉयज़ जो हैं हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि उन मुलाजमीन को भी टाइम स्केल और अपग्रेडेशन दी जाए। एजुकेशन के हवाले से बात की जाए तो इनकी हायरिंग का जो सबसे बड़ा इशू है वो ऑब्लिगेटरी पेमेंट है, किराएदारों को पेमेंट देनी है, FPSC पाकिस्तान भर से मुलाजमीन इधर आते हैं और इनको अभी तक 2-2 साल से हायरिंग जो है इनकी ड्यू है। इन मामलात से जो जो मुलाजिम परेशान है आपने पार्लियामेंट हाउस में हर सूरत में अपनी शिरकत को यकीनी बनाना है, एक ही आवाज़ एक ही पैगाम कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, मुलाजमीन इत्तेहाद जिंदाबाद, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।